हेलो एवरीवन, आज मैं बात कर रही हूँ मेला केयर क्रीम के बारे में, जो कि पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा भी दी जाती है एंड काफ़ी लोग सेल्फ या फिर किसी फ्रेंड के बताने पे, किसी के देखते हुए भी इसको यूज़ करते हैं। सो आप जो ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे इसके कुछ फ़ायदे नुकसान, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ किए हुए हैं और क्या वो हमारे स्किन के लिए सेफ़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, मिलाजमा, इनके ट्रीटमेंट के लिए लोग बिना डॉक्टर के सजेशन लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं जो कि उनकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हम अगर कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए सेफ़ है, हमको उसको यूज़ करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप ये क्रीम यूज़ करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जो भी बताऊँगी आपके फ़ायदे के लिए बताऊँगी, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप जान पाएंगे कि आपको लगाएं या ना लगाएं ये क्रीम। ओके, सो यहाँ पर आप फोटोज़ में देख रहे हैं कि जो पिगमेंटेशन है वो किस टाइप की होती है, एंड पिगमेंटेशन जिनको झाइयाँ भी बोलते हैं उसके लिए काफ़ी मैंने देखा है लेडीज़ बिना सोचे समझे ये क्रीम मार्केट से ले लेती हैं, किसी के भी बताने के आधार पे कि उनकी फ्रेंड ने यूज़ की है या उनके फ्रेंड ने यूज़ की है, जिन्होंने भी यूज़ की हैं, और उनके हिसाब से वो भी यूज़ करने शुरू कर देती हैं। बट आगे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे उसका उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस क्रीम में जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो हैं हाइड्रोक्यूरोन, ट्रेटिनोइन एंड मोमेटासोन। तो मोमेटासोन स्टेरॉइड है जो कि हो सकता है आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हार्म करे, आपकी स्किन एडिक्ट हो जाती है इसकी। तो कभी भी बिना डॉक्टर के निर्देश के ये वाली क्रीम आप खरीद रहे हैं तो कभी भी इसको 4 वीक से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको इसको यूज़ करनी है नाइट में। सो नाइट में आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे एंड जहाँ जहाँ आपके प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट है, कहीं भी डार्क सर्कल पर नहीं लगानी है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे एंड मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। तो इस क्रीम के फ़ायदे मैं आपको बताऊं कि ये आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत तरीके से करना पड़ता है ना। इसके मैं बताऊंगी अगर गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना। तो आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी क्रीम मॉर्निंग में फ़ेस वॉश करके लगानी है और फिर सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो हैं कि आपकी स्किन बर्न हो सकती है। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन वहाँ पर बर्न हो सकती है, बहुत ज़्यादा धूप में जाते ही आपकी स्किन रेड होने लगेगी, आपकी स्किन उतरने लग जाएगी, स्किन पीलिंग होने लगेगी, दाने हो जाएंगे या फिर स्किन और ज़्यादा डार्क दिखने लगेगी। क्योंकि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पूरे फेस पर ये क्रीम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जबकि पूरे फेस पर एप्लीकेशन के लिए ये क्रीम नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लमेटिक एरिया के लिए, जो आपका अफेक्टेड एरिया है वहीं पर अप्लाई करने के लिए। तो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है कि आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर रहे हैं और आपका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप मॉर्निंग में भी लगा रहे हैं, आप नाइट में भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, इससे आप जान पाएंगे कि आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, नाइट में फ़ेस वॉश करके ही लगाना है, और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया। और साइड इफ़ेक्ट फिर इसके बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि वैसे ऐसी क्रीम आपको बिना डॉक्टर के सजेशन के यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। तो आपको डॉक्टर से पहले एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपको जिसने भी क्रीम रिकमेंड की है
उनका स्किन टाइप अलग होता है, आपका स्किन टाइप अलग होता है, तो इसीलिए भेड़ चाल ना चले, देखा देखी ना करें, और आपको अपने लिए उचित, क्योंकि हमारे स्किन है, इसकी केयर हमको करना है, तो थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पर फोकस कर लेते हैं ना, तो हमारी स्किन ख़राब होने से बच सकती है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिना डॉक्टर के सजेशन के ये क्रीम मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत हद तक हार्म कर सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी स्किन जैसी है ना अभी, उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए सेफ़ क्रीम यूज़ कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे जितना ड्यूरेशन रिकमेंड कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी रिकमेंड कर रहे हैं, बस उसी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आपको ये क्रीम यूज़ करनी है या नहीं करनी है, डिसाइड आपको करना है। मैंने आपको सब बातें बता दी है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।